हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मटकन वाइफ्स। तो आज हम बनाएंगे जालौर में, हम जिन लोगों से मिलने वाले हैं उन लोगों का व्लॉग। और व्लॉग में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं सब कुछ वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि कोई लोग कंफर्टेबल होते हैं वीडियोस के लिए, कोई लोग नहीं होते हैं, तो वही वाली बात है। तो कुछ लोग होते हैं, अब यहीं देख लो आप, रितिका मैम बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वीडियो में। मैंने बोला थोड़ा सा लूँगी, क्योंकि दिखाने के लिए तो थोड़ा तो चाहिए ना, तो इनको बहुत शर्म आती है, ये नहीं आ रहे थे। हम लोग बैठे थे कैफे में, कैफे में बैठ के हमने कॉफ़ी पी, पिज़्ज़ा खाया, उसके बाद में मैं आ गई थी सुशला दीदी पल्ले में मैम और वर्षा मैम के पास। मैं वर्षा मैम को लेके आई थी, तो इन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरत है। ये जीजू बहुत शर्मा रहे हैं, देखिए अभी भी वीडियो में नहीं आ रहे थे। तो मैं इन लोगों से मिली, हमने बहुत बातें करी, उसके बाद में मैं और मैडम चले गए थे डीकोट, क्योंकि हमको मैडम ने दिलाए थे कुछ कपड़े। तो समझ लीजिए कि बर्थडे के जो भी हमारे ड्यू चल रहे थे, वो उन लोगों ने, मतलब इन्होंने अभी दिलाए हमको। ऐसा कुछ ही नहीं है, हम वैसे भी कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं, हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ गिफ्ट्स देने ज़रूरी है। एक रिलेशन है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और सबका होना चाहिए। तो यहाँ मैं, मैडम और गंजू हम लोग आ गए डीकोट। डीकोट से हमने फाइनली बहुत सारे कपड़े खरीदे, बहुत ज़्यादा, मतलब देव के लिए, मेरे लिए, सर के लिए, इन सब के लिए। और मैं और गंजू बहुत मस्ती करी यहाँ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कपड़े कि हमको कौन सा लेना है, तो हमने बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिए थे। काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे तो सेलेक्ट करने में, लेकिन फिर भी मैंने लिख कर लिए थे जल्दी से। तो बस थोड़ा बहुत वीडियो बनाया कि हमें फाइनली, मैं इन लोगों से ही जालौर मिलके गई थी, इन लोग इसका व्लॉग बनाया मैंने। और व्लॉग में कुछ नहीं, नॉर्मल सा, बस सब लोगों से मिल रहे हैं, बातें हो रही है, गपशप हो रही है। इसके बाद हम आ गए मेरे अंकल आंटी के यहाँ और मनु से मिलने। तो बहुत टाइम, बहुत लेट हो गया था यहाँ आते आते, क्योंकि हमको डीकोट में टाइम लग गया। तो यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद में मैं मनु के लिए मिठाई लाना भूल गई थी। मनु को मैंने पूछा क्या खाएगा, तो मनु ने स्पेशली डिमांड करी कि मुझे काजू कतली खानी है, तो मैं भूल गई थी क्योंकि हम डीकोट चले गए थे। तो मैंने सरचन जी सर को कॉल किया, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी इवनिंग। तो फिर इसके बाद हमारा वैसे ही मूवी का प्लान था हम सब लोगों का। तो फिर मैंने सर को बुलाया, तो हरचंद जी भी आ गए थे। तो हम यहाँ सब मिलके पी रहे हैं चाय, और ये है मनु, मेरी आंटी, अंकल। तो इसके लिए हमने मंगवाई फिर काजू कतली, तो ये लेके आए थे। उसके बाद में हम चले गए हनुमान ढाबा, जो कि जालौर का फेमस है, जो भी जालौर वाले मोस्टली वहीं खाते हैं सब लोग। तो हमने किया ऑर्डर, पनीर, रोटी और दही और पनीर की सब्जी, बस बहुत है। और कुछ नहीं चाहिए आपको? हाँ। पक्का आने चाहिए भाई से ऑर्डर। तो पीछे आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि गंजू ने हमारे ऑर्डर कर दिया था, इसका ऑर्डर लेना बहुत ज़रूरी था भाई साहब, वरना हम खा नहीं पाते। उसके बाद में हम पहुंच गए थे सिनेमा घर, या इसका नाम क्या है, गर्वित करके कुछ है टावर। मैं 2-3 बार गई हूँ यहाँ मूवी देखने। तो हमने फाइनली देखी एनिमल, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी मूवी थी, पर अच्छी थी। कुछ कुछ सीन्स नहीं होने चाहिए थे मूवीज़ में, पर ठीक थी मूवी, अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि आप देख नहीं पाओ। तो हमने करी यहाँ से एंट्री, तो बस हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में एंजॉय करते हैं, सब कुछ है। लेकिन मूवी हम, मेरे को बहुत ज़्यादा लंबी लगी, तो उसके बीच में देव का भी फ़ोन आ जाता है, वीडियो कॉल ये चल रही है मूवी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है वीडियो कॉल भी चला दिया मैंने साथ में। तो अभी बज रही है रात के 1:30 बज गई, हम मूवी देख के आए हैं, मैं और सर और मैडम और सारे हम लोग। तो 1:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो बस जो भी चीज़ें थी मैंने नोट करी थी, वो सारी मैं वॉइस ओवर कर दूंगी, आप लोग पहले देख चुके होंगे, क्लिप बाद में एड। और मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, सच बताऊं तो, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिली मैं रितिका मैम, वर्षा मैम, पल्लवी मैम, दीदी और बाकी सर तो मेरे साथ में थी, मेरे अंकल आंटी से, सबसे, उन सब मैं सुबह में मिलने जाऊँगी। तो देखते हैं क्या रहता है सीन आगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। तो आई जस्ट होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा जब भी मेरे साथ व्लॉग में आएंगे। तो बस यही रहेगा वीडियो, आई जस्ट होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा।